अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वत्सला जी की कमरे का बत्ती भी जल रहा है। इससे पहले यहां कोई आ जाए हमें निकलना चाहिए। बहुरिया जी, बाऊ जी, ये माता रानी चौकी आप पीछे ही छोड़ के चली आए, क्या हुआ, कौन परेशानी है? बाऊ जी, वो कहा है ना कि बदसला जी आई, हमको दिखाई नहीं दिए, तो हम यही से यहाँ आगे ढूंढने के लिए। बाऊ जी, अब हम कुछ कहेंगे तो आप हमें डांटेंगे, पर हम फिर भी कहना चाहते हैं, वत्सला की शादी वरुण के साथ तय हुआ है, लेकिन फिर भी वत्सला और सिद्धार्थ दोनों आपस में गायब हैं। वही तो दीदी, बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे। वरुण जिसे ब्याह करने वाली वत्सला मैडम हमेशा सिट सिट करती रहती है, उन्हें ही खोजती रहती है। अरे हम तो का कहें, हमारा माथा में तो खुदे बहुत देर से हड़क हो रहा है कि आखिर दोनों गया तो कहाँ गया। जबकि सिद्धार्थवा की मेहरारू पूर्णिमा ही आ है, अब बसला का होने वाला पति वरुण ही आ है, तो दोनों गया कहाँ? मैं यहां हूं। वो जगराता में बच्ची जो देवी बनी थी, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सुनाया, पापी, राक्षसी, पता नहीं और भी क्या कुछ कहा। मुझे बुरा लग गया तो मैं यहाँ आकर नहाने लग गई, और ठंड लगी इसलिए मैंने अपने लिए कॉफी बना दी। अच्छा, सेट का है? कहाँ है सिद्धार्थ? सिद्धार्थ, यहाँ हूँ मैं। मेरे घर में मेरा नाम ऐसे चिल्ला रहा जैसे तुम्हारा घर हो। आप सब लोग ऊपर कहाँ आ गए? अरे अम्मा, बाऊजी हमें फोन आ गया था काम से। इस शूटिंग को लेके कुछ काम आ गया था इसलिए हम बाहर गए थे बात करने। पर क्या हो गया, कुछ कुछ हुआ क्या? बात तो कुछ कुछ नहीं है, ये जो लोगन खड़ा है हमरे पास में, ये इतना बड़ा भाषण दे दिया, एक रथ हमारी अर्धानी तो यहाँ हेडेक हो रहा। का अंग्रेजी में हेडेक हो रहा है? माथा में हेडेक ना होता है जी? हेडेक होता है का रे? उठाओ फिर से, इतना बड़ा बड़ा बात कर दिया। वो जो आई थी ना छोटी, जिसे कहते हैं कंजक, छोटी महारानी, माता रानी, और जो उठा के दिए ना इनको, इनको तीनों को देना चाहिए। अर्धागिरी का हुआ?
ये अच्छा अच्छा करने जा रहा है, ये कहाँ तंज मार रहा है, ये कोई समय है तंज मारने का? जाइए, कल सुबह हल्दी रसम है, जल्दी उठिए और तैयार हो जाइए, जाइए सब सो जाइए। यारे लवली बबली चल। भाड़ा हम ही लोग ना भाके हुए हैं सब लोग का। वैसे काफी सेट लगती हो। अच्छा तो फिर दो तीन फोटो क्लिक कर लो मेरी। ऐसे तो बहुत से निर्देशक साहब बनते हैं, बाकी अपनी ही बीबी डांस कर रही थी और आप एक तो फोटो भी नहीं खींच पाए। आपसे ही बात कर रहे हैं और आपसे ही पूछ रहे हैं, बताइए ना काहे नहीं भी मेरा फोटो खींचे? अरे हम कहे ना वो फोन आ गया था शूटिंग को लेके, इसलिए जाना पड़ गया, वरना हम खींचते आराम से 10-12 फोटोग्राफ खींचते आपकी। आप भी ना रुकिए जरा। बनियान उल्टा कैसे हो गया? उल्टा पहने घूमिए, देखिए शीशा में देखिए। देखा? तो हम जानना चाहते हैं कि उल्टा कैसे हो गया, बताइए ना जी कैसे उल्टा हो गया? सुबह आप उल्टी पहन ली होगी और क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, हम ही आपको कुर्ता और बनियान पहनाए हैं, उल्टा पहनाए थे हम, एकदम सीधा पहनाए थे हम, बहुत ही अच्छे से याद है हमको। तुमको खाली इतना जाना है कि उल्टा कैसे? अरे बताइए ना, मौन व्रत धारण कर लिए का? खाली नहीं बता रहे कि उल्टा कैसे हुआ, कुछ छुपा रहे का हमसे? हाँ हम सच में कुछ छुपा रहे हैं। पर हम जानते हैं अच्छी तरह से, हमें अब झूठ बोलना ही नहीं है आपसे। झूठ को कितना बच छुपाएगा इंसान, सामने आ ही जाता है, इसलिए हम भी सच कहना चाहते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। सच? कैसा सच? कैसे कि हर बीबी का अधिकार होता है कि अपने पति का सच जाने, हमको भी जानना है क्या सच है। अरे बताइए ना। आप पहले दरवाजा बंद कर दीजिए। काहे? हम नहीं चाहते कि ये बात कमरे से बाहर निकले। बताइए, सब दरवाजा दरवाजा बंद कर दिए, अब हम कोई कुछ नहीं सुनेगा, हमको सच जानना है। आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? वो तो निर्भर करता है ना कि बात का है। सुबह आप हमें कुर्ता और बनियान पहना के तो निकल लिए, लेकिन उसके बाद हमारी क्या हालत हुई आपको पता चला? अरे यार, कुर्ता पहनने के बाद पता नहीं क्यों हमारे पीठ पीछे यहाँ
यहाँ पे अलग सी खुजली सी होने लगी। हाँ, वो कुछ खुजली होने लगी, कुछ ऐसा ऐसा फील हुआ जैसे कुछ कट सा गया है, और हम खुजला रहे थे, तब से खुजला रहे हैं उसको। तो अब उसे देखने के लिए कुर्ता उतारे, बनियान उतारे, पर हमें दिखा नहीं कि क्या हुआ है। अब वापस पहनने के चक्कर में हो सकता है हमने बनियान उल्टी पहन ली हो, पर आप देखिए, आप खुद बताइए हमें क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या पीछे? यहाँ अरे तो ऐसा लग रहा है कि कौनो खरोच का निशान है, जैसे कोई खरोच दिया हो। कैसे हो गया आपको? कैसे हुआ है आपको? खरोच का निशान कैसे आया? हम वही तो कह रहे थे। बहुत जल रहा होगा ना आपको? जल रहा है, कट रहा, कुछ कट कट सा फील हो रहा है। हाँ, वो खरोच का निशान है। हम एक काम करते हैं, आप तेल गर्म करके लेके आते हैं, लगा देते हैं, आपको आराम मिलेगा। पूर्णिमा, आप भी अब हम पे शक करती हैं। अब वजह देंगी तो शक तो होगा ना। अब ऐसे बनियान उल्टा पहन के आ जाएंगे जब हम आपको सीधा पहनाए थे, तो विश्वास तो हिलेगा ना। और एक बात जान लीजिए जी, वो सरकार आप लोगों का क्या कहते हैं, टैक्स कर्ज एक बार के लिए माफ कर सकती है, बाकी एक बीवी अपने पति का बेवफाई नहीं माफ कर सकती। बात भरोसे की थी, इसलिए शक भी हुआ और गुस्सा भी आया। अब हाथ छोड़िए, आपके लिए तेल गर्म करके लेके आते हैं। भरोसा तो तोड़ ही चुके हैं हम आपका, बेवफाई भी कर रहे हैं, पर हम भी क्या करें, हम भी तो दिल के हाथों मजबूर हैं, और इतने मजबूर कि अब ये दिल सही और गलत भी नहीं समझ पा रहा। देखिए पूर्णिमा सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।